हाय एवरीवन, विक्रम दिस साइड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। फाइनली द वेट इज ओवर। जो आप लोग का एसएल हॉन्टिंग सीरीज चाहिए था वो मैं ला चुका हूँ, लेकिन वीडियोस को स्टेप वाइज मैं अपलोड करूंगा, सीरीज वाइज अपलोड करूंगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, एक वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएल हॉन्टिंग क्या है, साइकोलॉजी एसएल हॉन्टिंग क्या होता है, स्विंग एंड पैटर्न पे एसएल हॉन्टिंग कैसे होता है, ट्रेड लेते हैं व्यू पॉइंट कैसे रखोगे, कंफर्मेशन क्या चाहिए होता है, एंट्री एग्जिट, वो सब स्टेप वाइज एक एक वीडियो में लाऊंगा। लेकिन गाइस, मैं इतना मेहनत करूंगा आप लोग के लिए, मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो में 300 लाइक्स आएगा तभी जाके दूसरा वीडियो जाएगा, ठीक है? एंड कमेंट्स में भी बताना वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है? और एक बात गाइस, मैं इंस्टा पे जैसे बताया था, हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में 30% डिस्काउंट चल रहा है, तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो, बट नो कंपल्सन। आप चाहोगे तो मेरे यूट्यूब से जो लाइव ट्रेड है, नॉलेज वीडियो है, वहां से देख के भी पैसा बना सकते हो, प्रॉफिट बना सकते हो। बाद में आप लाइव ट्रेड हमारे साथ करना है या आप लोग हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, वो बाद में आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है? चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना, जो भी डाउट्स रहेगा कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वो डाउट को मैं अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, एसएल हॉन्टिंग का सीरीज वाइज हम लोग लाएंगे, ठीक है? आज हम लोग समझेंगे एसएल हॉन्टिंग होता क्या है, उसके रूल्स क्या है, कैसे एसएल हॉन्टिंग होता है, क्यों होता है, वो हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है? उसके बाद बात करेंगे एसएल हॉन्टिंग में क्या क्या चीज़ को आप लोग देखना है, किसको किसको कंसिडर करना है, एंट्री कैसे होगा, एग्जिट कैसे होगा, वो सब स्टेप वाइज हम लोग समझेंगे। तो आज समझते हैं एसएल हॉन्टिंग होता क्या है। नॉर्मली आप याद रखो, जिस दिन आप प्रॉफिट करते हो उस दिन कोई ना कोई लॉस करता है, आप लॉस करते हो तो कोई ना कोई प्रॉफिट करता है, ये जीरो सम गेम है स्टॉक मार्केट। और यहाँ पे दो टाइप ऑफ ट्रेडर्स होते हैं मैक्सिमम, बिग प्लेयर्स। बिग प्लेयर्स में कौन कौन जाते हैं? जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, FII, DII, HNIs, ठीक है, बिग प्लेयर्स। और एक जगह आते हैं रिटेलर्स, रिटेलर्स लाइक अस, जिसके पास 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, इसके बीच में वो लोग ट्रेड करते रहते हैं, ठीक है, छोटा स्मॉल कैपिटल जिनके पास है। बिग प्लेयर्स के पास 1000 करोड़, 5000 करोड़ का फंड उनके पास है, वो चाहेंगे तो मार्केट को मैनिपुलेट भी करा सकते हैं, लेकिन मार्केट मैनिपुलेट इतना जल्दी नहीं होगा। इतने बड़े बड़े जब बैंक निफ्टी इंडेक्स का बात हम लोग करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, ऐसा नहीं होगा कि वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते, लेकिन वो आपके साथ ट्रैप गेम खेल सकते हैं, आपको फंसा सकते हैं, वही हम लोग समझने वाले, ठीक है? तो इसका मतलब क्या, और हम लोग जानते हैं कि बिग प्लेयर जो होते हैं वो नॉर्मली 70-80% टाइम वो प्रॉफिट करेंगे, 100% कोई नहीं है, वो लोग भी लॉस करते हैं, ठीक है, 70-80% टाइम वो लोग प्रॉफिटेबल करने वाले। तो 70-80% टाइम लॉस कौन कर रहा है? रिटेलर्स। रिटेलर्स वही लोग रिटेलर्स लॉस कर रहे हैं जो लोग थोड़ा मार्केट को समझते हैं, जो लोग नोवाइस ट्रेडर हैं, जैसे मार्केट में ग्रीन देख के एंट्री कर लिए, रेड देख के एंट्री कर लिए, यू नो इंडिकेटर 4-5 लगा के ट्रेड कर लिए, उनको कंसिडर ही मत करो, क्योंकि वो लोग ऐसे ही रैंडम पैसा लॉस करने के लिए मार्केट में आए हैं, उनको छोड़ दो, ठीक है? जो लोग थोड़ा बहुत मार्केट को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं कि हाँ चलो मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को, प्राइस एक्शन को समझ रहा हूँ, मार्केट का व्यू समझ रहा हूँ, मार्केट को प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, वो लोग की मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग भी 70-80% टाइम लॉस कर रहे हैं सीखने के बाद में। क्यों? क्योंकि उनको ट्रैप किया जा रहा है, और उस ट्रैप को बड़े प्लेयर उसी से पैसा बना रहे हैं, वही ट्रैप को समझना है हम लोग को, और इनके तरह मार्केट में सोच के हम लोग को पैसा बनाना है, ये आज हम लोग बात करेंगे। देखो सिंपल एसएल हॉन्टिंग क्या है, जिस टाइम आप सोचते हो, जो आप सोचते हो उसका उल्टा सोचना ही एसएल हॉन्टिंग है। एग्जांपल मान के चलो, आप एक आपको रेजिस्टेंस दिखा, सपोर्ट दिखा, आपको लगा कि हाँ ये ब्रेकआउट होने वाला है, मार्केट में ऐसे करके ब्रेकआउट हो रहा है, आप यहाँ पे अपना एंट्री बनाते हो, स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हो गाइस? स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाते हो, इसके नीचे लगाते हो, इसके नीचे लगाते हो, किसी का 5000 का स्टॉप लॉस होता है, किसी का 10000 का स्टॉप लॉस होता है, किसी का 1 लाख का स्टॉप लॉस होता है, किसी का 50000 का स्टॉप लॉस होता है, 5 लाख होता है, सब अपने अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगाते हो। वो क्या करते हैं, यहाँ पे आप एंट्री करते हो, जितना कैपिटल आप लगाते हो उससे ज़्यादा वो लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पे मार्केट को वो लोग एंट्री करेंगे डाउन साइड में। जब डाउन साइड में होंगे, बहुत लोग नए रिटेल्स भी एंट्री करेंगे कि उनको लगेगा कि भाई नीचे तरफ जा सकता है, वो यहाँ पे एंट्री करेंगे, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस खाएंगे, ठीक है, वो जितना भी आपका लॉस है उनका प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पे उनका प्रॉफिट हो गया, वो स्टॉक मार्केट से निकल गया जितना प्रॉफिट बुक करके, उसके बाद मार्केट में आके बाउंस बैक करके मार्केट बुक में करके जाएगा, तब आपके दिमाग में आएगा अरे मेरे को थोड़ा वेट कर जाना चाहिए था, उसके बाद एंट्री करता, ठीक है, तब अच्छा ट्रेड मिलता, तब अच्छा प्रॉफिट होता, फिर मार्केट में जो नॉर्मल ब्रेकआउट होता है वैसे ही होगा। जैसे आप एग्जांपल आप देखे होगे, बहुत सारे आपके साथ भी हुआ होगा, कोई एक अच्छा पैटर्न ऐसे फॉर्मेशन होता है, देखे होगे आप लोग ऐसे पैटर्न फॉर्मेशन होता है, ओके, ऐसे पैटर्न फॉर्मेशन होता है, मार्केट ऐसा ऐसा करके जाता है और ये ब्रेक करता, आप यहाँ पर एंट्री बना लेते हो और मार्केट क्या करता है, रिवर्स हो जाता है, ठीक है, रिवर्स हो जाता है, उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत आके फिर ऊपर करके जाता है, तो आप थोड़ी देर के बाद आके क्या बोलते हो कि अरे अरे मेरे को ना गलत मैंने ड्रॉ कर लिया, मेरे को वीक को कंसिडर कर लेना चाहिए था, मेरे को बॉडी कंसिडर करना चाहिए था, मेरे को ड्रॉ थोड़ा सा ऊपर करके करना चाहिए था, तब सही होता। उसके बाद आप लॉस करने के बाद आपको रियलाइजेशन होता है, नहीं नहीं मेरे को वीक कंसिडर करना चाहिए था, बॉडी कंसिडर करना चाहिए था, क्यों पहले क्यों नहीं कंसिडर किए, क्यों इस जगह पर प्रॉफिट नहीं बनाए, वो सब हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है? देखो
सिंपल कॉन्सेप्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग लॉस सबसे ज़्यादा लोग एंट्री करते हैं वो है ब्रेकआउट्स। लोगों का आदत है ब्रेकआउट्स, नाम पूरा सुने हुए हैं, भरा भरा हुआ है सब जगह। ब्रेकआउट्स होगा तो एंट्री करेंगे, डे हाई ब्रेक करेगा, डे लो ब्रेक करेगा, बॉक्स ब्रेक करेगा एंट्री करेंगे, सब पैटर्न पैटर्न को ब्रेक करेंगे एंट्री करेंगे, लेवल्स होगा लेवल्स को ब्रेक करेंगे एंट्री करेंगे, सपोर्ट डिस्टेंस को ब्रेक करेंगे एंट्री करेंगे। ये पूरा हल्ला है सब जगह, लोग वहीं पे एंट्री बनाते हैं, जहाँ पे निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी देखो, स्टॉक देखो, सब जगह एंट्री बनाते हैं, मार्केट में उनको ट्रैप करता है, देन मार्केट बाउंस बैक करके जाता है, ठीक है। लेकिन यह याद रखो, बड़े प्लेयर्स का व्यू जो होता है वो ऐसा नहीं होता है कि मैं मार्केट को, अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, अगर एग्जांपल दे रहा हूँ, मार्केट अगर मान के चलो इस जगह पे ब्रेकआउट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मार्केट को पूरा घुमा देंगे, पूरा ऐसे ट्रैप करके, मतलब वो ट्रैप किए हैं। एग्जाम्पल मान के एसएल हॉन्टिंग यहाँ पे हुआ है, आप यहाँ पे बाय किए, मार्केट में एसएल हॉन्ट किया, आपका मार्केट डाउन हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट बहुत रिवर्स ऐसा पूरा नीचे गिरते जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत हो सकता है लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे तो कंटिन्यू जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्या होगा पता है, वो पहले ट्रैप करेगा, थोड़ा बहुत नीचे आएगा जिससे आपको लॉस होगा, थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आएगा, 100-200 पॉइंट का मोमेंटम करेगा, मतलब बैंक निफ्टी का निफ्टी का बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी, यहाँ पे थोड़ा बहुत एसएल हंटिंग होगा, देन मार्केट में मोमेंटम ऊपर करके जाएगा, ठीक है। लेकिन ये याद रखो, एसएल हंटिंग सब जगह होता है, इक्विटी में भी होता है, इक्विटी में भी होता है, इंडेक्स में होता है, सब जगह होता है, सब जगह होता है। लेकिन जितना टाइम फ्रेम आपका बड़ा होते जाएगा, एग्जांपल मान के चलो हम लोग टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वन डे टाइम फ्रेम इक्विटी मार्केट में, वन डे टाइम फ्रेम, वन वीक टाइम फ्रेम, फोर आवर टाइम फ्रेम, जब टाइम फ्रेम हम लोग बड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, हम लोग का व्यू कहीं ना कहीं स्विंग के लिए जा रहा है। वन डे टाइम फ्रेम करके हम लोग इंट्राडे तो नहीं करेंगे ना, कि इंट्राडे मान लिए या ब्रेक कर एंट्री करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। हम लोग वन डे टाइम फ्रेम मतलब ट्रेड व्यू बना के रख रहे स्विंग का, इंट्राडे में एग्जिट कर रहे हो, अच्छा खासा पॉइंट आप लोगों को मिल गया, अच्छा खासा रिटर्न पा लिए, निकल गया अलग बात, लेकिन व्यू आपका क्या रहता है, स्विंग के लिए हिसाब से जाएंगे, तो वहाँ पे एसएल हंटिंग होने का चांसेस बहुत कम है। और ऊपर से आपका स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से रखते हो जब आप स्विंग का प्लान करते हो, ऐसा तो नहीं है ना कि आप एंट्री किया और स्टॉप लॉस को ऐसे क्लोज करके लगा दिया, ऐसा नहीं होता। आप सोचते हो कि थोड़ा बहुत नीचे रखते हैं, मार्केट में आएगा फिर ऊपर बाउंस करके जा सकता है, ऐसे ही प्लान करके जाते हो। तो हाई टाइम फ्रेम में क्या होता है, एसएल हंटिंग बहुत रेयर होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग एंट्री करते हैं, नॉट ओनली यू, जो इंट्राडे ट्रेड कर रहा है वही लोग नहीं है, जो लोग स्विंग में ट्रेड ले रहे हैं, जो लोग इन्वेस्टर्स है, जो लोग यू नो प्लान करते हैं 3-4 महीने के लिए होल्ड करें, जो लोग प्लान करें, सबको ही उसी जगह पर ट्रेड करते रहते हैं, तो ऑब्वियस बात है मार्केट का मोमेंटम भी ऐसे ही होता है, एसएल हंटिंग बहुत रेयर होगा। इंडेक्स में क्या होता है ना, इंडेक्स में स्पेसिफिकली बहुत लोग इंट्राडे करते हैं, स्विंग बहुत रेयर करते हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन स्विंग में बहुत कम, इंट्राडे में ही सब कुछ, बैंक निफ्टी निफ्टी में ऑप्शन फ्यूचर सबसे ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं, और आपको वॉल्यूम देखे होगी जब ट्रेड होता रहता है, 12 मिलियन 10 मिलियन 15 मिलियन ऐसा ट्रेड होता रहता है, तो ह्यूज वॉल्यूम है, तो ह्यूज जो वॉल्यूम होता है लोग उसी हिसाब से ब्रेकआउट देख के एंट्री करेंगे, इसको देख के एंट्री करेंगे, वही प्लान करते हो। टाइम फ्रेम क्या यूज़ करते हैं लोग, मैक्सिमम 5 मिनट 15 मिनट, ठीक है, 15 मिनट 5 मिनट 1 मिनट 3 मिनट्स, इसी टाइम फ्रेम ही यूज़ करते हैं, और इसी टाइम फ्रेम में सबसे मस्त एसएल हंटिंग होता है और सबसे मस्त प्रॉफिट बनता है, ठीक है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी पे आके तो आप वन डे टाइम फ्रेम या तो वन आवर टाइम फ्रेम ट्रेड लेके बैठोगे नहीं था, तो वहाँ पे तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, इंट्राडे के बेसिस में बोल रहा हूँ, आप एंट्री कर लिए, स्टॉप लॉस लगा दी, वन आवर टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाएगा कि आप इतना लॉस लोगे कि नेक्स्ट डे ट्रेड करने का मन ही नहीं करेगा, मेरे बात समझ रहे हो ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, टाइम फ्रेम थोड़ा कम करके ट्रेड करते हैं, जब टाइम फ्रेम कम करते हैं तब बड़ा मस्त एसएल हंटिंग होता है, जैसे मैंने बताया कि उन लोग का व्यू नहीं कि मार्केट में पूरा पूरा पॉइंट कैप्चर करेंगे, ठीक है। ब्रेकआउट्स होता है, ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट्स नहीं होगा, ब्रेकआउट्स जैसे मार्केट में ट्रैप करेगा देन ब्रेकआउट्स होगा, और कभी कभी देखोगे मार्केट में डायरेक्ट ब्रेकआउट भी होगा, ऐसे करके मार्केट में स्पीड ब्रेकआउट भी होगा, डेफिनेटली होगा। अगर ये ब्रेकआउट्स नहीं होंगे, आप थोड़ा सोच के देखो, अगर ब्रेकआउट्स नहीं होंगे तो जो ब्रेकआउट ट्रेडर है उसको तो समझ में आ जाएगा भाई कि हाँ भाई मैं तो मार्केट में आजकल ब्रेकआउट फेल हो रहा, उसको भी ये चीज़ क्लियर हो रहा है। अगर डेली अगर ब्रेकआउट नहीं होंगे, डेली एसएल हंटिंग होगा, तो उनको समझ में आ जा रहा है कि भाई अब तो ब्रेकआउट काम नहीं कर रहा, मार्केट में कंटिन्यू सुबह सुबह से लेकर 3:30 तक कंटिन्यूअसली बस एसएल हंटिंग हो रहा है, उनको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, तो लोग नेक्स्ट टाइम ट्रेड करने से पहले 5 बार सोचेंगे, राइट। तो बड़े प्लेयर क्या करते हैं, उनको भी चांस देते, तुम ब्रेकआउट में एंट्री कर, अच्छा खासा मोमेंटम हो जाए, उनको चांस दिया जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है 10 ट्रेड में से आप देखोगे 7 से 8 बार आपको नॉर्मली एसएल हंटिंग दिखेगा, ओके, और 3 से 4 बार ब्रेकआउट्स दिखेंगे, ओके, 3 से 4 बार आपको ब्रेकआउट दिखेंगे, 7 से 8 बार आपको एसएल हंटिंग दिखेगा, ओके। एक मिनट गाइस, ओके, तो 7 से 8 बार एसएल हंटिंग होने वाला है, 3 से 4 बार हम लोग का क्या होने वाला है, ब्रेकआउट्स होने वाला है। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इस 12 तारीख का मैं एक ट्रेड लिया था, आप लोगों को याद होगा, लाइव ट्रेड हम लोग अपलोड किए थे, और सेम ये पैटर्न के अंदर, मैं अभी दूसरा चीज़ सिखाया नहीं हूँ, पैटर्न वगैरह आप लोगों को पता है, उसी चीज़ को मैं एग्जांपल के समझा रहा हूँ, ठीक है। 12 तारीख का एक ट्रेड था, आप लोगों को याद होगा, हम लोग एक
अच्छा खासा एक पैटर्न के अंदर, चैनल पैटर्न के अंदर मार्केट आ रहा था, ठीक है, चैनल पैटर्न के अंदर आ रहा था। और मैंने सेम एग्जैक्टली आप चीज़ को अपडेट किया हूँ, मैं टाइम फ्रेम अभी 1 मिनट कर रहा हूँ, मार्केट में जस्ट इसको ब्रेक करते के साथ। ओके, मैं इसको थोड़ा पैटर्न को ऊपर शिफ्ट करता हूँ, एक मिनट। ओके, परफेक्ट। जस्ट लोग इसको ब्रेक करते के साथ लोग आंख बंद करके ट्रेड मारे होंगे, बहुत लोग हड़बड़ी इतना रहता उनको कि भाई मेरे को ब्रेक करेगा मैं एंट्री वगैरह मारूंगा। और बहुत लोग आप लोग में से मेरे को बोलोगे सर सस्टेन करने का वेट कर जाएंगे क्या, रीटेस्ट का वेट कर जाएंगे। गाइस ऐसा नहीं है, रीटेस्ट में भी आप एंट्री करोगे फिर भी ट्रैप होगे, मैं एग्जांपल दे दूंगा समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो क्या होगा, लोग यहाँ पर एंट्री किए होंगे, मार्केट क्या कर दिया, बूम करके चला गया। क्या मार्केट गाइस बूम करके गया है ऊपर, ऐसा हुआ है क्या, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर तरफ कंटिन्यू रहा है, ऐसा हुआ है? एसएल लॉन्टिंग तो हुआ है यहाँ पे, एसएल लॉन्टिंग हुआ है तो इसका मतलब मार्केट कंटिन्यू रहना चाहिए? नहीं, उनका जो दिमाग में था जहाँ पे आप ऐसा लगाए थे, यहाँ पे जो लोग भी एंट्री किए थे पी साइड में या डाउन साइड में एंट्री करने के सोचे थे, तो मार्केट में क्या हुआ, यहीं पे हम लोग वो लोग स्टॉप लॉस लगाए होंगे, राइट, यहीं पे स्टॉप लॉस लगाए होंगे, उनके स्टॉप लॉस खाया मार्केट में जितना गया, आप होल्ड करोगे कैसे एंट्री एग्जिट वगैरह हम लोग आगे आने वाले वीडियोज में समझेंगे, वो पॉइंट कैप्चर हुआ। उसके बाद मार्केट में ऊपर जाके दूसरा ऐसा लॉन्टिंग, ये पैटर्न था, लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे ब्रेकआउट सोच के, यहाँ पे ऐसा लॉन्टिंग हुआ, देन अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ, अब लोगों का खुशी, हाँ अब ब्रेकआउट हुआ है हम प्रॉफिट बनाएंगे। क्यों, ये दो टाइम जो ऐसा लॉन्टिंग हुआ इसमें क्यों नहीं प्रॉफिट बना पाया, ठीक है, इसमें क्यों हुआ, 3 बार में से 2 बार तो ऐसा लॉन्टिंग हुआ, तीसरा बार ही ब्रेकआउट हुआ है, समझ पा रहे हो ना बात को क्या हो रहा है, 3 बार में ट्रेड हुआ, 2 बार ऐसा लॉन्टिंग, 1 बार ब्रेकआउट, तो ये ब्रेकआउट के लिए वेट क्यों करना है, ये 2 बार क्यों गेम नहीं खेलना है, तो यही चीज़ मैं समझाऊंगा आज आप लोगों को, ठीक है। देखो स्पेसिफिकली ऐसा लॉन्टिंग सब जगह होता है, लेकिन मैं नॉर्मली बैंक निफ्टी पे करता हूँ, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी से कंटिन्यूअसली करते आ रहा हूँ, ये निफ्टी पे भी काम करता है, ऐसा लॉन्टिंग सब जगह होता है, ठीक है, इंडेक्स में फिन निफ्टी पे भी होता है। और ये याद रखो गाइस, मैं क्या स्टार्टिंग से ऐसा लॉन्टिंग पे ट्रेड करता था, नहीं, टू बी ऑनेस्ट मैं हमेशा ब्रेकआउट्स पे ट्रेड करता, लेकिन ब्रेकआउट्स ऐसा नहीं, मेरा आप पुराने वीडियो देखो मैं हमेशा बोला हूँ थिंक डिफरेंट, मार्केट में ब्रेकआउट होता था, ठीक है, ऐसा लॉन्टिंग हो जाता था, मेरे को नहीं पता था, ठीक है, ये मैं इस पर ट्रेड नहीं करता था, पहले ऐसा लॉन्टिंग होता था, थिंक डिफरेंट, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ट्रेड नहीं बनाना है, यहाँ पे ऐसा लॉन्टिंग होता था, देन मार्केट में जब मोमेंटम करके ऊपर भागता था तब मैं ट्रेड बनाता था यहाँ पे, क्योंकि ये अब क्या है, ये ब्रेकआउट होगा। और मार्केट में कब बोला था मैंने, जब मार्केट ऊपर जाके बिल्डअप होके कंसोलिडेट होके ब्रेक करेगा तब हम लोग ट्रेड बनाते थे। क्यों ये होता है इसका लॉजिक मैं अच्छे से बताऊंगा, धीरे धीरे सीरीज को देखते रहो, ठीक है। तो ये सब जगह पे हम लोग ट्रेड करते थे, उस टाइम में क्या होता था, मैं ट्रेड को पूरा होल्ड करता था, मिनिमम मेरे को प्रीमियम में 150 पॉइंट, ठीक है, 200 पॉइंट प्रीमियम, बैंक निफ्टी का बात कर रहा हूँ, क्योंकि स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी की समझाऊंगा आप लोग को, क्योंकि मैं उस पर ही ट्रेड करता हूँ, आप निफ्टी का एग्जाम्पल ले सकते हो, अपने हिसाब से जाके उसको बैक टेस्ट करना, अपने हिसाब से चार्ट को देखना तो समझ जाओगे। तो मैं प्रीमियम जाते बैंक निफ्टी करता था 150 200 पॉइंट के लिए मैं होल्ड करता था, कोई ट्रेड को लेके, मतलब 1 आवर का ट्रेड है तो होल्ड करता था, 2 घंटे का पकड़ ट्रेड को होल्ड करता था, ट्रेलिंग कर करके होल्ड करता था। अब मेरा आदत क्या बन चुका है, क्यों मैं 2 घंटे तक होल्ड करूँ मार्केट में बैठ के, क्यों 4-5 मिनट में मेरे को प्रॉफिट बन जाएगा, क्यों वहाँ से ना निकल जाऊँ, ठीक है, 5 मिनट के अंदर प्रॉफिट बन जाएगा, 5 मिनट के अंदर प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। इवन आप देखे होंगे मेरा ट्रेड्स 30 सेकंड के अंदर प्रॉफिट बुक हो जाता है, क्यों, ऐसा लॉन्टिंग वैसे ही होता है, बूम बूम करके कैंडल धड़ करके गिरेगा, धड़ करके ऊपर जाएगा, आप देखोगे आंख के सामने प्रॉफिट डन खत्म बात, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम भी ऐसे स्पीड में होता है, जब भी ऐसा लॉन्टिंग होगा इसे याद रखो स्पीड में होता है, क्योंकि आपका ऐसा रखा हुआ है ना स्पीड में होगा, डेफिनेटली बूम बूम करके रिवर्स होता है, तो इस टाइम हम लोग जल्दी प्रॉफिट बुक करते हैं। और मैं दिन भर बैठने की जरूरत नहीं पड़ता है, मेरे को आधा घंटा मार्केट के पास बैठता हूँ, 1 घंटा मार्केट के पास बैठता हूँ, उससे 1 घंटे मेरे को प्रॉफिट बन जाता है, दिन भर बैठने की जरूरत नहीं। अभी मैं आप लोग सामने मेरा एक चीज़ आया मैं बताता हूँ, बहुत लोग रीटेस्ट पे एंट्री करते हो, बहुत लोग सस्टेन करने के बाद एंट्री करते हो, मैं सेम एग्जांपल आप लोग दे रहा हूँ, यहाँ पे एक सपोर्ट था, ठीक है, प्रीवियस टाइम में भी एक सपोर्ट था, आपको लाइन ड्रॉ करता हूँ इस जगह पे देखो, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट जोन था, आप देखोगे कंटिन्यूसली मार्केट इस जगह पे आया है, जब भी आया है इस जगह पे टच करके मार्केट बाउंस बैक करके जा रहा है, राइट, ऐसा करके मार्केट का मोमेंटम हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आया, ठीक है, इस जगह पे आया, ब्रेक किया, लोग यहाँ पे एंट्री किए, बहुत खुश हो के, क्या ब्रेकआउट है, या मार्केट बूम बूम करके रिवर्स होने वाला, बूम बूम करके जाने वाला, मार्केट में लोग एंट्री किए। अब क्या हुआ, मार्केट अगेन रीटेस्ट का चांस दिया, चलो अब आप लोग सेलिंग साइड में जाओ, रीटेस्ट हो चुका है, क्योंकि यही तो आप सीखे हुए हो, मार्केट क्या किया, अगेन डाउन तरफ आया, आप बहुत खुशी खुशी लोग एंट्री किया, उनका स्टॉप लॉस कैसे हिट किया, बूम, 3 कैंडल में गए, आप लोगों को याद होगा इसी दिन मेरा 30 सेकंड में 26,000 का प्रॉफिट हुआ था, 200 क्वांटिटी में ओनली, धड़ 1 कैंडल, 2nd कैंडल, मेरे को चांस प्रॉफिट मैंने डायरेक्ट 20K देखा, मेरे को बीच में 7,000, 8,000, 10,000 कुछ नहीं दिखा, हाँ थोड़ा बहुत बीच में 10,000, 8,000 दिखा था, 8,000 डायरेक्ट 20,000 प्रॉफिट, मतलब बीच में कुछ नहीं, ठीक है, ऐसे होता है ऐसे लॉन्टिंग गाइस। ये आप बोलोगे हाँ एक एक दिन लक्की हो आप, लग गया, नहीं गाइस, 22 तारीख का डेट देखो,
22 तारीख या 4 तारीख 5 तारीख कोई डेट था, रुको 5 तारीख एग्जैक्टली मेरे को याद है, इस दिन 5 तारीख का डेट है गाइस, आप लोग देखोगे यहाँ पे, ठीक है। लोग ये सोच के रखे, ये साइकोलॉजिकल नंबर को ऐसे हॉन्टिंग हुआ है, बताऊंगा आप वीडियोस में कंटिन्यू रहो, मैं बताते रहूंगा, ठीक है। मार्केट में लोग यहाँ पे एंट्री करके यही सोच के कि हाँ ये साइकोलॉजी लेवल को ऐसे हॉन्ट हुआ है, साइकोलॉजी लेवल क्या है क्या नहीं है वो बताऊंगा, ठीक है, वेट कर जाओ। यहाँ पे लोग एंट्री किए, देखो कैंडल, देखो फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल, सेकंड कैंडल में मेरे को 22K का प्रॉफिट दिखा रहा था, बिलीव करोगे इस कितना, देखो स्पीड देखो 1-2, आप सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको देखने की जरूरत नहीं, इतना स्पीड में मार्केट होता रहता है, और ये नॉर्मली एसएल हॉन्टिंग ऐसा ही होता है, ये याद रखो, ठीक है। और दिन भर बैठने की जरूरत, जब 2-3 कैंडल में प्रॉफिट बन जा रहा है कि दिन भर बैठना है, जो 4-5 कैंडल में प्रॉफिट बन जा रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट बन जा रहा है, तो उसी में ही प्रॉफिट बना लेंगे, नहीं कैप्चर करना है हम लोगों को 200 पॉइंट। बहुत लोगों के साथ, नॉर्मली लोगों के साथ क्या होता है पता है, वो इस मार्केट को देख लेते हैं और इस मार्केट को देख लेंगे कहाँ चला गया मेरा, ठीक है, इस मार्केट को देख लेंगे और थोड़ा सा गिल्ट फील करेंगे, अरे मैंने ट्रेड नहीं कर पाया इस मार्केट को, कितना अच्छा मोमेंटम हुआ, नहीं जरूरत है इस मार्केट का, ऐसे रेयर मार्केट है, डेली थोड़ी मार्केट में ऐसा आपको मतलब 1000 पॉइंट 3000 पॉइंट का डाउन मूवमेंट करेगा, जो आप लोग को डेली बेसिस पे हो रहा है उस मार्केट में प्रिपेयर होना, जैसे ऐसा मार्केट में हो रहा है कंसोलिडेशन, ऐसा मार्केट में कंसोलिडेशन हो रहा है, ये मार्केट ऐसे कंसोलिडेट हो रहा है, इधर मार्केट जैसे जा रहा है उसी मार्केट में प्रिपेयर करो ना, नहीं जरूरत है इस मार्केट हम लोग को पूरा पॉइंट कैप्चर नहीं करना ना। आप लोग भी नोटिस किए होंगे, जो लोग होल डे बैठ के रहते हैं 9:15 से आके 3:30 तक जो लोग मार्केट में बैठे रहते हैं, उनके साथ ही लॉस होता रहता है, क्यों पता है, वो हर जगह पोजीशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो गिर रहा होता है उनको लगता है और डाउन जाएगा, वो लोग एंट्री बनाएंगे मार्केट ऊपर चला जाएगा लॉस हो गया, फिर मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा उनको लगे अरे भाई और डाउन जा सकता है, एंट्री बना लेंगे मार्केट ऊपर चला जाएगा, फिर मार्केट कंटिन्यू जाएगा तो उनको लगे और डाउन जा सकता है, फिर एंट्री बना लेंगे मार्केट ऊपर चला जाएगा, ऐसे ही लोगों के साथ होता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरे को हर पॉइंट कैप्चर करना है, होल्ड करके बैठना है। आपको ही पता है कभी भी आप टॉप पे बाय करके बॉटम पे सेल नहीं कर सकते, सॉरी टॉप पे सेल करके कभी बॉटम पे बाय नहीं कर सकते हो, कभी भी आप बॉटम पे बाय करके टॉप पे सेल नहीं कर सकते हो, ये भी आपको समझ में आ चुका है, इतने दिन से ट्रेड कर रहे हो, किसी किसी दिन हो गया लग बाय चांस लग गया अलग बात है, लेकिन नॉर्मली होने वाला नहीं है, राइट। हम लोग जितना मार्केट देता है खुशी खुशी लेना चाहिए, मार्केट में दिन भर बैठते नहीं है हम लोग, 1 घंटा ट्रेड करते हैं, 1 घंटे में मार्केट अगर खुशी खुशी आपके पास पैसा ला के दे रहा है क्या प्रॉब्लम है उसमें, राइट। तो वही चीज़ है। अच्छा अब आते हैं भाई गाइस हम लोग टाइप पे, देखो जब हम लोग एसएल हॉन्टिंग पे बात करेंगे, मैं स्पेसिफिकली इंडेक्स का बात करूँगा, ठीक है, जब हम लोग एसएल हॉन्टिंग पे बात करेंगे मैं 3 चीज़ को कंसिडर करता हूँ, ओके। फर्स्ट जहाँ पे हम लोग देखते हैं, जहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल, ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा एसएल हॉन्टिंग होता है, साइकोलॉजिकल लेवल। दूसरा है स्विंग्स, ओके, स्विंग्स में क्या क्या जाएगा, डे हाई क्या है क्या नहीं है वो एक एक करके समझेंगे, डे हाई डे लो लिख तो आप लोग भी लिखो, ठीक है, डे लो, प्रीवियस डे हाई, PDS लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, PDL, प्रीवियस डे हाई, PDL, प्रीवियस डे लो, शार्प प्राइस शार्प फॉल, ओके, शार्प प्राइस एंड शार्प फॉल, ये हो गया आपका स्विंग्स। थर्ड में आपके आता पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स जो होता है, डबल टॉप डबल बॉटम ट्रायंगल पैटर्न चैनल पैटर्न, ये सब आता है आपका इसमें। 3 चीज़ के हिसाब से हम लोग अपना एसएल हॉन्टिंग ढूंढेंगे, उसके हिसाब से ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। चलो आज हम लोग फर्स्ट चीज़ को समझते हैं। फर्स्ट आप लोग का है साइकोलॉजिकल नंबर एसएल हॉन्टिंग, ये सबसे ज़्यादा मिल जाता है, बहुत जल्दी मिल जाएगा, ठीक है, ये बहुत इजी होता है फाइंड आउट करने में, बहुत इजी होता है और बहुत बहुत दिन मिलेगा आप लोग, कंटिन्यूसली मिलेगा, ठीक है, साइकोलॉजिकल नंबर, ओके। साइकोलॉजिकल नंबर होता क्या है गाइस, जैसे 500 का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, आप लोग जैसे निफ्टी देख लो, बैंक निफ्टी देख लो, 500 का मल्टीप्लीकेशन मतलब क्या, 41,000, 41,500, 42,000, 42,500, ठीक है, सब 500 का मल्टीप्लीकेशन, 43,000, ठीक है, 38,000, 38,500, ऐसा हो गया आपका बैंक निफ्टी में। निफ्टी में कैसा, 18,000, 18,500, 19,000, ठीक है, 19,500, ये हो गया आप लोग का साइकोलॉजिकल नंबर्स। और मार्केट में क्या होता है, नॉर्मली मैं बता दूँ, साइकोलॉजिकल नंबर जब मार्केट ऐसा रहता है ना, लोग बहुत लोग जो सेलर्स होते हैं, ऑप्शन सेलर्स होते हैं, जो ऑप्शन सेलिंग करके रखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ये सोच के रख लेते हैं कि ये 43,000 बन रहा है स्ट्राइक प्राइस, और लोग यहाँ पे सेल करके रख लेते हैं, हाँ चलो यहाँ पे काम करेंगे हम लोग। जो लोग ऑप्शन सेलिंग नहीं जानते हो गाइस, मैं बता दूँ, ऑप्शन सेलिंग में गाइस आप लोग ये सोच के रखते हो कि मार्केट में जैसे आप लोग 43,000 सी बाय कर लेते हो, मैं बोल रहा हूँ 43,000 सी बाय करते हो, उसका मतलब क्या रहता है कि मार्केट 43,000 के ऊपर रहने वाला है। जो लोग सेल करते हैं वो लोग क्या सोचते हैं, 43,000 के नीचे रहने वाला है मार्केट, ठीक है। जब ये ब्रेक करता है ना, लोगों के दिमाग में क्या आता है, जो स्मॉल रिटेलर्स होते हैं उनके दिमाग में क्या आता है, अब ये ब्रेकआउट कर दिया है, सारे सेलर्स निकल गए होंगे, अब मार्केट में ऊपर तरफ जाएगा, लोगों को ये लगता है कि हाँ आप तो वो लोग बोले थे 43,000 के मार्केट नीचे जाएगा, अब इसको ब्रेक किया है, अब मार्केट पर कंटिन्यू ऊपर जा सकता है, साइकोलॉजी नंबर को ब्रेक किया, ये एक लेवल था, लोग इसको रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि हाँ ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, इसको ब्रेक करता है, लेट्स गो,
ठीक है, अप साइड के लिए एंट्री करते हैं। सेम एग्जांपल, अगर फुट मार्केट डाउन हो रहा है, उनको लगता है कि 41,000 लेवल है, इसको ब्रेक करता है, अब तो मार्केट सपोर्ट को ब्रेक कर चुका, अब डाउन होगा, लोग ये प्लान बना लेते हैं। जब ये ब्रेक करता है, मार्केट क्या करता है, रिवर्स हो जाता है और वो लोग एसएल हंटिंग में ट्रैप हो जाते हैं। और डेली मैक्सिमम दिन पे तो वो दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है, मैं एग्जांपल के साथ दिखा दूंगा। आप अगर मेरा लाइव ट्रेड भी देखते हो, जाओ मेरे चैनल पे जाओ, देखो कंटिन्यूअसली, मैक्सिमम टाइम आपको मेरे साइकोलॉजी के नंबर पे ही एसएल हंटिंग आपको दिखेगा, राइट। तो मार्केट में ऐसे होता है, मार्केट रिवर्स हो जाता है, ये याद रखो। तो अब देखो एग्जांपल, देखो समझ में आ जाएगा। कोई अच्छा साइकोलॉजी, ये तो पैटर्न पे हुआ था, साइकोलॉजी नंबर, हाँ यहाँ पे देखो, नहीं इस दिन नहीं, इस दिन नहीं, नहीं इस दिन शायद, इस दिन नहीं, इस दिन नहीं, ओके इस दिन हुआ था गाइस, किंतु लेकिन ये स्पीड में भागा है। 42,000 यहाँ पे था, देखो यहाँ पे आप देखोगे 42,000 का लेवल्स था, ठीक है, 42,000 का लेवल्स था, ठीक है, 42,000 का लेवल्स था। मार्केट आया है, स्पीड में ब्रेक किया है और बूम बूम करके नीचे गया, फिर ऊपर गया। आप बोलोगे सर ये तो ब्रेक करके नीचे, इतना नीचे आ गया तो हम लोग को डाउन साइड में एंट्री करना चाहिए, तो नहीं, एंट्री कब करोगे वो मैं बताऊंगा। ये रेड रेड बन के जा रहा होगा तो उसमें एंट्री नहीं बनाना है, कब एंट्री बनाना है, कब करना है, वो मैं शेयर करूंगा, सिखाऊंगा। एंट्री एग्जिट वगैरह सीरीज में धीरे धीरे समझेंगे आप, कंटिन्यू उसको देखो कैसे एसएल हंटिंग होता है। यहाँ पे हो सकता है मार्केट 42,000 लेवल को ब्रेक करके आ गया, लेकिन इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो मार्केट में एसएल हंटिंग हुआ, ठीक है। सुबह सुबह मिल जाए तो अच्छा बात है, ठीक है, सुबह सुबह, मैं तो सुबह सुबह ही ट्रेड करता हूँ, उस जगह मिल जाए तो अच्छा बात है। देखते हैं साइकोलॉजिकल नंबर कहाँ पे गए, ओके यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखो मार्केट में ऐसा अच्छा खासा मार्केट ओपनिंग दिया 039 पे, ओपनिंग यहाँ पे देखो 43,095 में ओपनिंग दिया। हम लोग साइकोलॉजी नंबर कहाँ गए, साइकोलॉजी नंबर यहाँ है, ठीक है। मार्केट में कैसे ब्रेक किया देखो, लोग आंख बंद करके सोचेंगे नहीं, वो लोग सोचेंगे नहीं कि मार्केट में क्या होगा, वो लोग आंख बंद करके एंट्री करेंगे। एंट्री किए, बूम करके मार्केट में रिवर्सल हुआ, उनका स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, देन मार्केट में जो होना चाहिए था वो हुआ। क्यों, इसमें हम लोग प्रॉफिट बुक करके नहीं, इसमें हम लोग प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे ना, क्यों दिन भर बैठना है जब हम लोग प्रॉफिट वहाँ पे मिल गया, ठीक है। एग्जांपल दो, समझ में आ जाएगा। इस सेम चीज़ यहाँ पे देखो मार्केट में क्या हुआ है, लोग यही सोचे थे कितना अच्छा मार्केट डाउन हुआ है, वाह सुंदर मार्केट डाउन 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 हो गया, लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे कि यार चलो अब भी कंटिन्यू जा सकता है। ये रेड रेड देख के तो लोगों का मन मचलने लगता है, क्या वाह क्या रेड है, अब तो नीचे जाएगा मार्केट में उनका स्टॉप लॉस हिट, ठीक है। आप कंटिन्यू देखो यार, देखो समझ में आएगा। और भी देखते हैं कोई दिन, हाँ यहाँ पे देखो सेम एग्जांपल, तो ये 23 का डेट है, 23 कहाँ गया ये, ठीक है इस दिन का देखो, 2023 का देखो मार्केट ओपनिंग कहाँ दिया यहाँ पे, 43,078 में, ठीक है। मार्केट ओपनिंग दिया, आया है आया है आया है आया है, ब्रेक किया है, लोग यहाँ पे एंट्री किए, मार्केट में देखो कैसे स्टॉप लॉस हिट, पूरा बूम करके मार्केट रिवर्सल हो गया, पूरा बूम करके रिवर्सल हो गया। आप कंटिन्यूसली देखो, आप देखोगे समझ में आएगा। इस जगह पे देखो ना, 500 लेवल बहुत ऊपर है, नहीं बहुत ऊपर है, इसको छोड़ो, ओके 600 500, अच्छा ठीक है। देखो यहाँ पे मार्केट में कैसा आया, ओपनिंग दिया 7 आसपास कहीं 675 पर, राइट। हम लोग साइकोलॉजी नंबर कहाँ है, 500 लेवल पे, ठीक है 500 लेवल देखो यहाँ पे, साइकोलॉजी नंबर देखो इधर राइट साइड में आ रहा है गाइस, आप लोग दिख रहा है राइट साइड में यहाँ पे, ठीक है। मार्केट आया, वाह कितना सुंदर मार्केट आ रहा है, लोगों को एंट्री करने के लिए चांस मिल गया, एंट्री किया, मार्केट देखो रिवर्सल, ठीक है। ये डेली होता है गाइस, मैं दिखाने चलूंगा तो पूरा रात हो जाए, आप लोग खुद जाके प्रैक्टिस करना, इतना साइकोलॉजी पे एसएल हंटिंग होता है आप देख के पागल हो जाओगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ है मैं बता दूँ, इसका मतलब कल से जाकर ट्रेड मत करेंगे, इस मेरे को सीरीज़ कंप्लीट करने देना, पूरा सीरीज़ के लिए कंप्लीट करो। जैसे मैंने बताया हूँ, अगर इस वीडियोस में 300 लाइक्स आएगा तो मैं सीरीज़ को जल्दी जल्दी कंप्लीट करूँगा, ठीक है, कंप्लीट करूँगा, आप लोग समझोगे। हड़बड़ी करके कल जाके साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करें एंट्री मत करने, इस वहाँ पे एंट्री करने के लिए कन्फर्मेशन भी देखना पड़ता है, ठीक है फर्स्ट। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल दिन भर मान के चलो, एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे एसएल हंटिंग हो चुका है, ठीक है, एसएल ऑलरेडी हो चुका, मोमेंटम हो चुका, अब अगर ब्रेक कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होगा रिवर्सल हो जाएगा, बहुत रेयर चांस है। अब हो सकता है मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम भी हो जाए, साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करके ऊपर जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस टाइम पे मतलब सोचो कि मार्केट 915 को स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एसएल हंटिंग हो गया, मोमेंटम इधर हो गया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू ब्रेक कर रहा है, इसके चांसेस ज्यादा है कि मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा ही सकता है, रिवर्सल होने के चांसेस बहुत कम हो जाएगा, वो मैं समझाऊंगा आगे आने वाले सीरीज में, लेकिन ठीक है। तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया साइकोलॉजी वाला कॉन्सेप्ट क्या है। आप कंटिन्यू जाके बैक टेस्ट करना, निफ्टी पे देखना, सेम कॉन्सेप्ट है। मार्केट में जब भी साइकोलॉजी लेवल को ब्रेक करता है, लोग क्या करते हैं, वहां पे एंट्री बनाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं, होल्ड करते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट बुक होता है, ठीक है, तो वो हम लोग समझेंगे। तो गाइस आई होप आज के वीडियो भी आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला। तो प्लीज जैसे मैंने बताया,
300 लाइक्स होगा तो मैं जल्दी जल्दी सीरीज लाऊंगा। नेक्स्ट सीरीज लाएंगे हम लोग पैटर्न्स के बारे में, नेक्स्ट सीरीज लाएंगे हम लोग स्विंग्स के बारे में, वो समझेंगे, फिर उसके बाद एंट्री एग्जिट वगैरह बातचीत करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।